लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा करने पहुंच रहे भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल की नामांकन रैली 15 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में अपना नामांकन जमा करने पहुंच रहे भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के लिए भाजपा बड़ी संख्या में सभा और रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस मामले में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल द्वारा 15 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया जाएगा। विजय बघेल के नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस दौरान जनसभा का आयोजन भी किया गया है। जनसभा में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभाओं से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जन शामिल होंगे। ये जनसभा स्टेडियम के पास मानस भवन ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। आज तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतने कम समय में इतने बड़े बड़े काम नहीं किए। आपको बता दूं कितना हर्ष विषय है प्रदेश के 70, ये भारत के प्रदेश की पहली कोई योजना होगी जिसमें 70 लाख लोगों को एक साथ एक दिन में लाभ मिलता है, 2 किस्तों को मिल चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इसी में मैं आता हूँ, 36 वचन दिए थे गंगा जल का लेकर कसम खा के, 36 में एक धान को तो ठीक से दे नहीं पाए, 2500 धान देना था, 2500 धान को भी 2180 रुपये तक तो भारत सरकार देती थी, ये तो 487 को 4 किस्त देते थे। आखिरी जो किस्त था वो रोला के लिए 4 किस्त में आखिरी किस्त 20% कटौती होता था। किसानों की सरकार की बात करने वाले लोग बोरक के तरस गए। बाढ़ आने मेरे कैसे लगता है अजीत जोगी 3 साल में बाढ़ आने को डाला हुआ और उसके बाद ये भूपेश बघेल सरकार के 5 साल में से बोरक के लोग तरसते गए। इस दौरान दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर के सभी 60 वार्डों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम नागरिक रैली में शामिल होंगे। साथ ही ये भी कहा कि दुर्ग शहर में भाजपा सरकार के लाभार्थियों से विशेष संपर्क करते हुए उनसे नामांकन रैली में शामिल होने की अपील भाजपा कार्यकर्ता द्वारा शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर की जा रही है। विधायक गजेंद्र यादव ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार की उपलब्धियां यहां पर हम बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर, गांव लेवल पर, हर बूथ पे कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं और पार्टी सिद्धांतों पे है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है और हम सब लोग आप देख रहे होंगे अभी हम सामान्य लोगों का संपर्क में रहते हैं। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ 100 से कम कार्यकर्ता होते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है। अब उसके कांग्रेस को नहीं, 5 साल में कुछ किए नहीं बघेल जैसे करके आरोप लगाने का कुछ आरोप लगा सकते हैं। बड़ा काम कुछ भी है बघेल जी का दिखता नहीं, ऐसा बोलती है कांग्रेस। 5 साल तो भूपेश बघेल सरकार थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है किसी प्रकार का, इस पर तो आज बात है। विजय बघेल जी के 2 साल में कोरोना काल गया, कोरोना काल में जब सबसे ज्यादा किसी ने जनता के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया तो विजय बघेल जी ने किया। एम्स में जितने भी दूर लोकसभा क्षेत्र से भर्ती हुए अधिकतर लोगों के लिए भर्ती में भूमिका विजय बघेल की रही। यहाँ जब शुरू में खाद्यान्न वितरण का जब काम हुआ, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के तत्कालीन विधायक, कांग्रेस के तत्कालीन महापौर, कांग्रेस के पार्षद वर्ग विशेष, जाति विशेष के, धर्म विशेष के क्षेत्र में वो अपना बांटने काम की थी। विजय बघेल जी ने बिना धर्म और जात पंथ भेद किए हुए पूरे जिले में उन्होंने भोजन वितरण का काम किया है। और तो यहाँ के जो लोग जो इस नामांकन रैली को सफल बनाने भाजपा दुर्ग शहर के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित तमाम मोर्चा और प्रकोष्ठ अपने अपने स्तर पर सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में विधायक गजेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। 15 तारीख को सुबह 11 बजे हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी वर्तमान सांसद श्री विजय बघेल जी का हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र कार्यकर्ता मंडल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता के साथ माननीय विजय बघेल जी नामांकन रैली मानस भवन के पास सब एकत्रित होंगे। वहां से हम सब कलेक्ट्रेट की ओर जाएंगे, वहां पे हम 15 तारीख को नामांकन भरेंगे। उस नामांकन रैली में माननीय विजय बघेल जी और सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी, संगठन प्रमुख आदरणीय
किरण सिंह देव जी समेत सभी वरिष्ठ नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे और लगभग हमारे कार्यकर्ताओं की सूची के हिसाब से 15,000 कार्यकर्ता पूरे कार्यकर्ता उस रैली में उपस्थित रहेंगे और हम सब रैली के रूप में वहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेताओं का पहले मार्गदर्शन होगा, मार्गदर्शन के तत्काल पश्चात नामांकन भरने कलेक्टर आएंगे। भाजपा धोखे से नहीं, कांग्रेस धोखे से उस समय सरकार बनी भूपेश बघेल जी का, लोग आपको ध्यान में होगा मैं 5 साल पुराना अगर जाएंगे तो लोग 4 महीने पछताने लग गए। उसका रिजल्ट ये आया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, 72 सीट उनकी थी, उसके बावजूद भी हम सब लोग 11 में 9 सीट हम जीते, 2 सीट बहुत मार्जिनल अंतराल से ही हम हार पाए। तो वो धोखे से भाजपा सरकार नहीं, धोखे से उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार आई, लोगों को पछतावा हुआ। आज पुनः उस पछतावे से जनता ने समझ गई और फिर जब मौका मिला जनता को तो जनता ने लोकसभा जिताया और इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम सर्वाधिक 54 सीट से जो चुनाव जीते, 54 सीट में हमारे विधायक बने, ये आज तक कभी नहीं हुआ। चूँकि कांग्रेस के कुकृत्य और पाप इतने अधिक हो गए थे जिससे जनता उग गई थी और वापस भाजपा सरकार लगी। 11 के 11 हम जीतेंगे। कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाने काम करती, झूठ धोखा उसके व्यवहार में है। आपको मैं बताना चाहूँगा, सन 2006 में जब माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उसमें अंत्योदय योजना के तहत 3 रुपये किलो चावल लाए तो उस समय भी बात कही गई थी, ये सिर्फ विधानसभा 2008 के विधानसभा चुनाव की बात की है, ये बंद हो जाएगा। आज कितना साल हो गया, 2006 का जो योजना आज भी चल रहे हैं, और तो और उस समय इस योजना को छत्तीसगढ़ पूरे भारत में लीड किया, लोग छत्तीसगढ़ की खाद्यान्न योजना को देखने आए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री उसकी तारीफ किए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तारीफ किए, और तो और आज उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल तक 2028 तक उस योजना को 5 किलो खाद्यान्न फ्री की घोषणा की। तो ये भाजपा कोई काम करती है तो ऐसा भूपेश बघेल के समान नहीं कि वो चुनाव आया कि वो उनको बेरोजगारी भत्ता याद आया और कुछ चीज़ें आया, भाजपा कोई काम करती है चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं करती, क्योंकि भाजपा काम करती है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। आज भी हमारा उस समय अंत्योदय योजना चल रहा है, आज भी चल रहा है, वैसे ही हमारा जो योजना है माननीय विष्णुदेव साय सरकार का महतारी वंदन योजना, जब तक भाजपा सरकार रहेगी तब तक ही सरकार चलेगी। देश के प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की थी, मुझे ध्यान में आता है जब डॉक्टर रमन सिंह सरकार थी लगभग 16 विभागों ने उत्कृष्ट काम का पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को दिया था। ये इस बात का प्रमाण देता है कि हमारी सरकार भाजपा सरकार कैसे काम करती है। ये कांग्रेस का ही मनमोहन सरकार ने उसमें पुरस्कृत किया था, ये इस बात का होता है कि हमारा काम बहुत अच्छा रहता है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।